जॉइन कैंडिडेट्स वेलकम टू भावी फोर चैनल आज हम वेपन ट्रेनिंग का एक वेपन पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मोरटार इससे सवाल कैसे पूछे जाते हैं ऐसे आपको सारी डिटेल लिखने के लिए नहीं बोलते पेपर के अंदर पेपर के अंदर ज़्यादातर सी सर्ट के अंदर पे ऐसे पूछेंगे कि मोरटार की कैलिबर का साइज़ बता दो है ना मोरटार का किलिंग एरिया कितना होता है इसकी रेंज बता दो स्पीड ऑफ फायर मतलब कोई एक चीज़ पूछते हैं फिल इन दब लैंग्स में एक दो चीज़ पूछेंगे तो चार पाँच नंबर ऐसे फिल फिलअप्स में पूछते हैं खाली ठीक है ऑल राइट right. हम इसकी डिटेल एक बार पढ़ लेते हैं आप अभी ध्यान से एक बार वीडियो देख लेना उसके बाद जब आपका एग्जाम होगा ना तो एक बार रिवाइज करके चले जाना इसको आपको याद आ जाएगा आराम से इसके अंदर पे जैसे मैंने लिखा है एटी वन एम एम मोटार होता क्या है पहले आइडिया लो मोरटार का मोरटार बेसिकली एक मशीन होती है जैसे देखो ऐसे ऐसे करके उसका फ्लैट सो होता है ऐसे नली लगी होती है आपने उसमें देखा होगा अभी अभी वीडियो खोलने से पहले स्टार्टिंग में लगा रखें और इसे ट्राईपोड डाईपोड ऐसे करके उसे खड़े करते हैं इसके अंदर से क्या करते हैं यहाँ पे ना बॉम्ब रखते हैं और बॉम्ब लॉन्च करवाते हैं इसे ना हैंड ग्रेनेड या तो एक तो होता है कि मुंह से निकाल और ये माता दी फेंक दिया उसे दूर है ना एक होता है कि इसकी मदद से फेंक देते हैं इससे ज़्यादा दूर फेंके जा सकते हैं बेसिकली तो इसको बोलते हैं मोर टार ये बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है आपके वॉरफेयर्स वगैरह में ठीक है पेपर में आपको पूछेंगे कि मोरटार का कैलिवर साइज बताइए तो ये नहीं लिखा होगा लिखेंगे मोटर का कैलिवर साइज तो मोटर का कैलिवर साइज होता है एटी वन एम एम जो आपका सिलेबस है उसके अंदर पे एनसीसी का उसके अंदर कौन सा मोर्टार है एट्टी वन एम एम ठीक है और कैलिवर का साइज एटी वन एम एम ये याद रहेगा एटी वन mm, एम एम ऑल राइट इसका वेट अगर आपसे पूछ ले कि वजन बता दीजिए मोर्टार का तो मोरटार विदाउट साइट साइट मतलब क्या हुआ जो ये ऊपर वाली इसकी नली सी नली वाला पोर्शन होता है ना इसको बोलते हैं साइट ये सारे ना पार्ट्स में होते हैं उनको ठोक ठोक के जोड़ा जाता है तो अगर इस इस खाली इस साइट को हटा दिया जाए ऊपर के ढक्कन से को उतार दिया जाए तो ये बाहर का नीचे वाला ये बेस बहुत हैवी होता है ये हो गया बोम हो गया इसके साथ में इसका ट्राईपोर्ट ड्राईपोर्ट होता है है ना तो उस, उसकिन मिला के काफ़ी हैवी हो जाता है तो इसके बोलते हैं मोटर विदाउट साइट मतलब खाली उसकी साइट साइट मतलब देखने वाला इससे इससे इसका रेंज पता चलती साइट वो हटा दिया तो अब इसका जो नीचे का पूरा ढांचा बच गया इसका वेट होता है फोर्टी पॉइंट तो ऐसे दिमाग में रखना लगभग चालीस किलो का होता है काफ़ी भारी होता है कितना फोर्टी पॉइंट अच्छा ठीक है हमने ऊपर के ढक्कन से हटाई खाली ढक्कन से का साइज़ क्या होगा मतलब साइट विद केस साइट साइट का जो खाली साइट होगी हमारी उसका क्या होने वाला है केस मतलब होता है कि एक कवर होगा जिसके अंदर उसको रख के लाएंगे तो साइट हुआ ये ये हुआ उसकी नली सी इसको किसी केस में रखा है डब्बे से में रखा है उसके अंदर रखे हैं ताकि खराब ना हो जाए यार साइट है वो ठीक है तो केस इन इनका वेट हो जाता है फोर पॉइंट सेवन के जी कितना वेट हो जाता है फोर पॉइंट सेवन के जी याद रहेगा इतना याद रहेगा आगे चलते हैं रेट ऑफ़ फायर अब फायर गोली तो फायर नहीं करेगा मैंने बताया बॉम फेंक के मारता है क्या फेंकता है बॉम्ब तो रेट ऑफ़ फायर होता है अगर स्लो स्लो बॉम फेंक रहे हैं हम इससे स्लो स्लो बॉम फेंक के मारे हैं दुश्मन पे तो ये छः से आठ बॉम्ब मार देता है एक मिनट के अंदर कितने बॉम मार सकता है छः से आठ बॉम्ब मार देगा एक मिनट के अंदर अच्छा नॉर्मल स्पीड में फेंके तो थोड़ा और ज़्यादा मारेगा नौ से बारह बॉम्ब मार देगा एक मिनट में और अच्छा रैपिड फायर में फेंक दें तो बारह से बीस बॉम मार सकता है पर मिनट रैपिड मतलब कि स्लो मतलब आराम आराम से फेंक रहे स्लो नॉर्मल थोड़ी स्पीड तेज हुई रैपिड मतलब खटाखट से फेंका वॉर स्टार्ट हो गई जंग छिड़ गई जबरदस्त फेंक रहे हैं खटाखट से दैट इज़ बारह से बीस बॉम फेंक देगा पर मिनट क्लियर हुआ इतना रेट ऑफ फायर मोर टार का ऑल राइट रेंज देखिए जैसे तुमने हाथ से फेंका ना ग्रेनेड तो वो कितनी दूर जाता है इससे देखो कितनी दूर वो, वो कम दूर जाता है इससे बहुत दूर फेंक देते हैं हम रेंज हुआ इसकी रेंज कितनी दूर तक फेंक सकते हैं बॉम्ब को रेंज माने बॉम कितनी दूर तक फेंक देंगे तो मिनिमम रेंज फेंक सकता है नब्बे मीटर कितना मीटर नब्बे मीटर तक फेंक देगा एक मीटर में होते हैं सौ सेंटीमीटर अब लगा लो नब्बे मीटर तक फेंक देगा ये बॉम्ब नाइन्टी मीटर तक मिनिमम मैक्सिमम पूछ ले मैक्सिमम पाँच सौ मीटर तक फेंक देगा कितना मैक्सिमम पाँच सौ मीटर तक फेंक सकता है मैक्सिमम कितना पाँच सौ मीटर तक फेंक देगा तो इतनी दूर फेंक देता है भाई देखो अच्छी बात है दूर से ही दुश्मन की कर दो निश्ते नाबूत तो उनको ठीक है इतना क्लियर हुआ रेंज समझ में आ गई नेक्स्ट देखिए डेंजर एरिया मतलब जैसे सपोज करो इस जगह पर मोटर गोला आके फट गया तो इसके आसपास में कितना एरिया डेंजर का रहने वाला है कितना एरिया डेंजर का रहेगा तो डेंजर तो एरिया होता है नाइन्टी मीटर जो इसकी मिनिमम रेंज है ना नाइन्टी मीटर ऑफ द मतलब ये पूरा एरिया चारों तरफ से लगा लो इसके डायमीटर कितना नाइन्टी मीटर इधर से भी नाइन्टी मीटर ऐसे तो ये डाया के अंदर इस जहाँ यहाँ फटा इसके डाया में नब्बे मीटर के डाया में दैट इज़ डेंजर एरिया अगर आप वहाँ पर हो तो आपको कंकड़ पत्थर चोट उससे फटा जो ग्रेनेड उससे लग सकती है जो बॉम्ब फटा ठीक है किलिंग एरिया किलिंग एरिया मतलब कि इसके अंदर पे कोई ऐसा एरिया होगा जहाँ पे जैसे यहाँ पे बॉम्ब फटा है ना तो यहाँ के सपोज करिए 5.5 मीटर लगभग लगभग 6 मीटर के दायरे में अगर कोई इंसान है बॉम्ब फटने के इस दायरे में कोई इंसान है समझो वो गया उसके बचने के चांस है नहीं इसको बोलते हैं किलिंग एरिया मतलब यहाँ पर तो मार ही देगा यहाँ कोई इंसान हुआ ना वो नहीं बच सकता फिर कितने में मार देगा फ़ाइव मीटर ऑफ डाई ऑफ बस्ट डायमीटर समझ रहे हो अपनी गोलाई वाले एरिया में तो 5.5 मीटर तक कोई नहीं बचता मरे मरे ठीक अच्छा देखो सेफ्टी डिस्टेंस सेफ्टी डिस्टेंस मतलब कि तुम बचे रह जाओ जिससे है ना जैसे बॉम्ब फट गया वहाँ पे तो कितनी दूर तक आप भाग के निकल जाओ वहाँ से कितनी दूर, दूरी डिस्टेंस आपकी होनी चाहिए ताकि खुद फेंका जिस बंदे ने वो सेफ रहे हम लोग सेफ़ रहें है ना तो वो होगा 200 से 250 मीटर लगभग इस इस सर्कल के जैसे डेंजर एरिया 500 मीटर कुछ का था तो 200 से 250 मीटर यहाँ यहाँ तक कम से कम आ जाओ भाग के निकल के बॉम्ब मार के या यहीं पर खड़ो के मारो यहाँ पे बॉम्ब सीधा थोड़ा सा बाहर निकल के कितने मीटर तक लगभग दो सौ से ढाई सौ मीटर बाहर निकल के आ जाइए जहाँ बम फटाए तो आप बच जाओगे ठीक है लास्ट पॉइंट होता है इसका मजल वेलोसिटी मजल वेलोसिटी क्या होता है कि आपने राइफल में देखा होगा राइफल की ऐसे आ, उसकी होती है राइफ़ल की भी मज़ल वेलोसिटी होती है मज़ल बेसिकली जैसे राइफल की पूरी आगे वाली नली हुई ना बैरल बोलते हैं इसके इस इसको बोलते हैं मज़ल इस ये मज़ल होती है तो ग्रेनेड का भी जैसे ग्रेनेड मोटा सा हुआ इसका ये इसको मज़ल तो मजल वेलोसिटी कितनी रफ्तार से इसके अंदर से बॉम्ब जो है सूंदी घट दे जाएगा कितनी रफ्तार से इसके अंदर से ग्रेनेड छूट के जाएगा राइफल में होता है कितनी रफ्तार से राइफल की नली में से बुलेट होके जाएगी काफ़ी स्पीड से जाती है तो ये ग्रेनेड फेंकता है 305 मीटर पर सेकंड इतनी स्पीड से फेंक देता है मजल वेलोसिटी वेलोसिटी आप समझ आओगे स्पीड के बारे में बात कर रहा है मजल वेलोसिटी उसकी नली से कितनी स्पीड से गोला निकल के जाएगा दैट इज 305 मीटर पर सेकंड क्लियर इतना एक बार रिवाइज करते हैं इसमें पेपर में फिलिंदा अपलैन से पूछेंगे ऐसे पूछेंगे मजल वेलोसिटी ऑफ मोर्टार इज डैश ऐसे कर देंगे तो आप लिखना वहाँ पे तीन मीटर पर सेकेंड ऐसे पूछेंगे कि कैलिबर ऑफ मोर्टार इज डैश ऐसे फिलप्स में पूछते हैं ये वाले सवाल ठीक है इनको ध्यान रखिएगा आप लोग ठीक है कितना मोर्टार 81 वन एम मोर्टार पढ़ा हमने अपने सिलेबस में कैलिबर कितना था उसका 81 वन एम एम मोटार विदाउट साइट मतलब उसको ऊपर ढक्कन हटाते कितना वजन होता है काफी भारी होता है लगभग चालीस किलो के अराउंड फोर पॉइंट अच्छा खाली साइट का वजन उसका भी साढ़े किलो के आसपास होता है लगभग पाँच किलो फोर पॉइंट ठीक है रेट ऑफ फायर पूछ लिया स्लो स्लो <coughs> छः से आठ बोम फेंकता है पर मिनट नॉर्मल में नौ से ग्यारह बोम पर मिनट रैपिड में बारह से साठ बोम पर मिनट फेंक देता है इसका डबल कर लेना छः और मतलब ट्रिपल सॉरी डबल सिक्स टू जो ट्वेल्व रैपिड में इसका ट्रिपल के करीब बीस से बारह ऐसे थोड़ा रिकॉग्नाइज करने में याद रहेगा बस इसके लिए बता रहा हूँ रेंज मिनिमम नब्बे मीटर मैक्सिमम पाँच मीटर तक बचेगा नहीं इंसान ठीक डेंजर एरिया नब्बे मीटर डेंजर एरिया नब्बे मीटर नब्बे मीटर तक रहे तो चोट लगेगी लगेगी आपको है ना तभी तो बोला सेफ्टी एरिया दो सौ से ढाई मीटर नब्बे मीटर में तो चोट लगेगी तो उससे बाहर निकल के आ जाओ ठीक कीलिंग एरिया फाइव पॉइंट फाइव मीटर अगर फाइव पॉइंट फाइव मीटर के दायरे में रहेगा तो बचने का सवाल ही पैदा नहीं होता तुम्हारा ठीक सेफ्टी डिस्टेंस बता दिया मैंने दो सौ ढाई सौ मीटर मजल वेलोसिटी किस रफ्तार से बॉम्ब से निकल गया तीन सौ पाँच मीटर अब आपका जब जब भी एग्जाम होगा ना जब सी शर्ट का देने वाले हो तो उससे एक दिन पहले वीडियो रिवाइज कर लेना ये वाली आपको सारी चीज़ें एकदम तो रिकॉल हो जाएंगे ठीक है चलो आज के लिए इतना ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद